नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का डिजिटल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस समय आप हमें देख पा रहे हैं, मेरे साथ शैलेंद्र चौहान भी भोपाल से जुड़ गए हैं, वो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। और साथ ही आज हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आज का जो हमारा ये टॉपिक है, विषय है, वो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जी हाँ, एक बार फिर से जो कांग्रेस है यात्रा पर निकलने जा रही है। नाम दिया गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पिछले साल जो कांग्रेस की यात्रा निकली थी वो आपको याद होगी, उसका नाम था भारत जोड़ो यात्रा। और अब जो वापस से कांग्रेस यात्रा निकालने जा रही है उसे उसी भारत जोड़ो यात्रा का 2.0 वर्जन कहा जा रहा है। नाम में हल्का सा मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, नाम दिया गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। नाम से ही साफ हो रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही इस यात्रा को शुरू किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। इस यात्रा की शुरुआत 14 तारीख से होगी इसी महीने से। और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका ये कहना है कि इस यात्रा के जरिए देश की जनता तक पहुंचने की कोशिश कांग्रेस करेगी। और जब मकसद ये होगा, जो केंद्र की बीजेपी सरकार है उनकी नाकामियों को लोगों तक पहुंचाना। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात भी कही कि जो बीजेपी है वो एक बार फिर से भावनात्मक मुद्दों पर खेल रही है, यानी कि राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर CA NRC का मुद्दा हो, या इसके अलावा धर्म की जो पिच बीजेपी की पिच कही जाती है, कहा यह जा रहा है कि उसी पिच पर बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बना चुकी है। और इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गया, या फिर अन्य जो मुद्दे हैं कांग्रेस के, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कौन कौन जुड़ा है मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। उससे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं शैलेंद्र जुड़ गए हैं, और साथ ही रुद्र विक्रम सिंह जी भी जुड़ गए हैं, जो एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रुद्र जी, और शैलेंद्र आपका भी स्वागत है। शैलेंद्र, पहले मैं आपके पास ही आऊंगी। जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको लेकर जरा बताएं कि कांग्रेस की तैयारी भारत जोड़ो यात्रा की है, उसको नाम हालांकि उसमें चेंज कर दिया गया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब इसे नाम दिया गया है। हाँ देखिए बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा जो थी राहुल गांधी की, वो पहली यात्रा निकली थी और इस दूसरी यात्रा को इन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम दिया है और आज उसका रूट मैप आ चुका है। तो अगर हम देखेंगे तो रूट मैप में इस बार काफी विस्तार दिया है इस यात्रा को। और इस बार अगर हम बात करें तो ना केवल जितने प्रमुख राज्य, जो कहीं ना कहीं से माना जाता है कि भारत में जहां से सरकार बनती है वो बड़े राज्य, जिन उन राज्यों को ये यात्रा कवर करेगी और यहाँ पर वो सभी एरिया को या क्षेत्र को, जिलों को कवर करते हुए, राज्यों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे राहुल गांधी, जिससे कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक माइलेज मिले, बड़ा फायदा मिले। तो जितना भी यात्रा का रूट मैप है वो काफी बड़ा है। अगर हम बात करें तो इसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश एक बड़ा हिंदी भाषी राज्य है और यहाँ पर करीब 700 किलोमीटर, 698 किलोमीटर की यात्रा मध्य प्रदेश में होगी और ये यात्रा में वो करीब 7 दिन, तो हर राज्य का अगर देखा जाए तो हर राज्य को वो 5 से 7 दिन दे रहे हैं और लगातार वो वहां पर लोगों के बीच जाएंगे, पैदल चलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रूट मैप है और इसके सहारे मिशन 2024 को फतह करने की एक बड़ी रणनीति है कांग्रेस की, क्योंकि कहा ना कहा एक तरफ भाजपा सक्रिय है और 2024 के लिए चुनाव मैदान में उतर चुकी है। तो अब कांग्रेस की भी रणनीति है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़ा चेहरा है उनके मुताबिक वो जब यात्रा पर निकले, क्योंकि ये माना जाता है कि जब न्याय भारत, जब पहली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तो राहुल गांधी जब पब्लिक के बीच गए तो एक अच्छा लोग कनेक्ट हुए थे, लोग लगातार उनकी यात्रा में हुजूम उमड़ा था। तो वही दृश्य इनका जो योजना है कांग्रेस की है और विपक्ष को एकजुट करना है। तो एक बड़ा लक्ष्य लेकर राहुल गांधी इस न्याय यात्रा के नाम से निकलेंगे और कहीं ना कहीं अब मिशन 2024 जो है उसको जीतने के लिए ये यात्रा पर फोकस होगा। और भाजपा के जो राम मंदिर आंदोलन है या अब राम मंदिर का जो भव्य आधारशिला होने वाली है, तो उसके साथ साथ अगर देखें तो 22 जनवरी को एक बड़ी यात्रा होगी, वो 24 जनवरी से यात्रा होगी, 12 और 22 को अयोध्या में एक बड़ा जमघट होगा, जी एक पूरा उत्सव का माहौल है। तो निश्चित ही कांग्रेस भी उस मुद्दे को कहीं ना कहीं नहीं छोड़ना चाहती है कि इस यात्रा से वो कनेक्ट हो और जनता का दिल जीते, ये पूरी योजना है। तो जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होना है, भव्य कार्यक्रम जो होना है
रामलला का अयोध्या में, उसका जवाब क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। रुद्र विक्रम जी, हम आपसे समझना चाहेंगे, एक यात्रा हमने पहले देखी भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत की दुकान खोलने राहुल गांधी निकले, और यात्रा में सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आई उसमें ये दिखाया गया कि यात्रा को बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन उसके बाद जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, हमने उन चुनावों में देख लिया कि कांग्रेस को जो रिस्पॉन्स सोशल मीडिया पर मिला वो जमीन पर नहीं मिला, वो पोलिंग बूथ पर नहीं मिला। अब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, देखिए पढ़ना, एक जो दो देशी पार्टियां हैं देश में, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों में एक बेसिक अंतर यही है कि एक सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ती है, एक एक सारे नेता उनके सोशल मीडिया पे होते हैं, दूसरी पार्टी जो सोशल मीडिया पे होने के बावजूद भी जमीनी स्तर पर भी लोगों से जुड़ी हुई है, जमीनी स्तर पर काम करती है, जमीनी स्तर पर लोगों के पास जाती है। हालांकि देखिए, राहुल गांधी को बहुत जरूरत है भारत जोड़ो यात्रा की या फिर भारत भ्रमण यात्रा की, उनको बहुत जरूरत है, क्योंकि उनको देश को समझने की जरूरत है। जब तक वो देश को समझेंगे नहीं तब तक वो अनर्गल बातें करते रहेंगे और कांग्रेस के साथ साथ अपनी लुटिया भी वो डुबोते रहेंगे। तो उनको बहुत जरूरत है देश को भ्रमण करने की। मुझे लगता है कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा खत्म करके जब आए हैं तो उनको, वो जब बोलते हैं तो थोड़ा सा उनके जो बुद्धि का स्तर था या राजनीतिक समझ का स्तर था या देश को समझने का जो स्तर था वो थोड़ा सा उनमें वृद्धि हुई है। अभी वे फिर से एक यात्रा पे अगर निकल रहे हैं, एक यात्रा से फिर से आएंगे, लेकिन एक शायद जो रूट में बना रहे हैं मणिपुर से, इन्होंने रूट बनाया है कि मणिपुर से, इसीलिए शायद उन्होंने न्याय यात्रा, जो मणिपुर में एक केस आया हुआ था शायद उसको ध्यान में रख के उन्होंने न्याय यात्रा किया है। मुझे लगता है कि अगर ये रूट अयोध्या से भगवान राम के चरणों से निकालते, शायद जो पाप इन्होंने 60 सालों तक किया, भगवान राम को टेंट में रखा, शायद वो पाप धुल जाते इनके, अगर वहां से यात्रा निकालते तो कुछ शायद इसका एक अच्छा असर लोगों पर भी पड़ता। लोग भी शायद सोचते कि हाँ, एक जो कांग्रेस से 60 सालों से भूल हुई थी या जो एफिडेविट इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि राम एक काल्पनिक है, तो वो पाप शायद इनके धुल जाते। तो अगर ये रूट उनका बनता तो वो जो आप कह रही हैं कि क्या उसका जवाब, जो प्राण प्रतिष्ठा का जवाब होता, तो जवाब तो नहीं होता, लेकिन हाँ, एक एक थोड़ी सी इमेज जो कांग्रेस की देश की नजरों में, भारतीयों की नजरों में खराब हो गई है, वो शायद एक इमेज सुधर जाती। यहाँ पर सवाल शैलेंद्र ये भी उठता है, जिस तरह से रुद्र जी ने जिक्र किया कि देखिए, अगर आप एक पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो इवेंट कर रही है, भले राम मंदिर के नाम पर इवेंट कर रही है, तो आपके पास भी तो वो पिच है ना खेलने के लिए, आप भी अयोध्या से यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आपने इम्फाल को चुना है, मणिपुर को चुना है। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है, लोकसभा चुनाव से पहले इस यात्रा को शुरू करना, बीच में ब्रेक क्यों लिया गया, फिर यात्रा शुरू की जा रही है, एक नया रूट मैप तैयार किया जा रहा है, जो क्या मौजूदा करंट को समझ नहीं पा रही है कांग्रेस, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा है कि भावनात्मक मुद्दों को बीजेपी लेकर आ रही है जनता को रिझाने के लिए, तो कांग्रेस किस कार्ड को आगे खेलकर बढ़ना चाहती है? देखिए, अगर हम पिछले कुछ दिनों की कांग्रेस की रणनीति को समझे तो कांग्रेस ने, अगर वो अयोध्या की जैसी हम साथी हैं, उन्होंने कहा कि हमको या कांग्रेस को ये करना था कि वो अयोध्या शुरुआत करे, तो कांग्रेस के पास एक सबसे बड़ा वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है, तो कांग्रेस कभी ऐसी गलती नहीं करती। अगर वो अयोध्या को जाकर ये शुरुआत करती तो उसका एक जो वोट बैंक है बहुत बड़ा, या सेक्युलर पार्टी की बात करती है वो, तो वो छिटकने का उसको डर रहता। तो कहीं ना कहीं एक तो ये मुद्दा मान सकते हैं। दूसरा कि मणिपुर, जो मणिपुर है पूरे देश में सबसे बड़ा चर्चित मुद्दा रहा था, और कांग्रेस को वहां से कुछ फायदा होता दिख रहा है कि मणिपुर की घटना की, महिलाओं के साथ जिस तरह का अत्याचार हुआ, तो कांग्रेस इस तरीके से सोच रही है कि वहां से जब यात्रा निकालेंगे तो एक उन्हें बड़ा फायदा मिलेगा, उन्हें ये फायदा होगा कि मणिपुर और वो जो पूर्वोत्तर राज्य है, जो कहीं ना कहीं भाजपा हमेशा वहां से छिटकी हुई है, भाजपा पूर्वोत्तर राज्यों से बहुत ही कम वो मार्जिन, मतलब जीतती ही नहीं एक तरह से हम ये देखें तो, वहां पे बहुत कम सांसद होते हैं, तो वहां कांग्रेस या दूसरी पार्टियां ही हावी है, तो निश्चित ही वहां पे इनको एक बड़ा माइलेज मिलेगा। अब हम बात करें कि यहाँ की कि कांग्रेस वर्तमान मिजाज की बात करें, तो कांग्रेस की रणनीति अगर आप देखेंगे तो जातिगत मुद्दा, जो जाति का कार्ड पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस ने खेला, इस बात को उठाया कि हम जिस भी राज्य में सरकार आएगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे, जाति के आंकड़े सामने लाएंगे, जैसे बिहार में हुआ। तो कांग्रेस की मंशा ये है कि कहीं ना कहीं जो एक बड़ा गैप हो रहा है कि हिंदू वोट बैंक जो है वो लगातार एकजुट हो रहा है, वो बीजेपी के पाले में जा रहा है और बीजेपी को उससे फायदा मिलता है और सरकार बनती है,
तो उस वोट बैंक को तोड़ने के लिए जातिगत जनगणना एक बड़ा एजेंडा है कांग्रेस का। उसके अलावा एक और बड़ी प्लानिंग है कांग्रेस की ओबीसी के कार्ड, ओबीसी कार्ड भी अभी अगर देखेंगे आप तो जिस भी राज्यों में राहुल गांधी सभा लेने गए, ये अलग बात है कि कांग्रेस को सब जगह से उस कार्ड के बाद भी कोई फायदा नहीं मिला और वो सभी राज्य चुनाव में हार गई विधानसभा। लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस के पास क्योंकि हिंदुत्व कार्ड या अयोध्या का कार्ड खेलना ऐसा लगता नहीं कि उससे अब फिलहाल फिर कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस को फायदा जातिगत जनगणना से होगा या दूसरे ऐसे मुद्दों से होगा। चलिए सर, आपकी इस बात से थोड़ा इत्तेफाक में नहीं रखूंगी, क्योंकि भले ही जातिगत जनगणना को पुरजोर समर्थन देने की बात कांग्रेस की ओर से की गई, लेकिन जो हम चुनावों के रिजल्ट पर अगर गौर करते हैं तो मुझे लगता है कि ओबीसी वोट बैंक को सबसे ज्यादा बीजेपी अपने पाले में लाने में कामयाब रही। क्यों रुद्र जी? देखिए बिल्कुल ओबीसी, देखिए बीजेपी के पास एक सबसे बड़ा यूएसपी क्या है कि वो किसी जाति विशेष की पार्टी का तमगा नहीं लग पाया अब तक उस पे, कि कोई ये कहे कि वो ये जाति किसी एक जाति विशेष की पार्टी। जैसे शैलेन भाई ने भी बताया कि मुस्लिम वोटर एक कांग्रेस के लिए वो एक वोट बैंक रहा है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स ही रही है, तभी उनके प्रधानमंत्री ये कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का सबसे पहला अधिकार है। और शायद यही एक बयान या फिर यही एक सोच रही है जिसकी वजह से आज कांग्रेस की ये हालत हुई है। तो अगर आप एक जाति विशेष या वर्ग विशेष या समुदाय विशेष को पोषित करने के लिए कोई राजनीति करेंगे तो आपका हश्र आज नहीं कल होना ही है। बीजेपी के साथ सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट रहा है कि उन्होंने कभी किसी ना ही जाति विशेष का कोई राजनीति करी, ना ही किसी वर्ग विशेष की राजनीति। सत्ता में आने के बाद भी ऐसा नहीं कि किसी वर्ग को या किसी समुदाय को उन्होंने उपेक्षित रखा हो। प्रधानमंत्री हमेशा सारे वर्गों को संबोधित करते रहे, सारे वर्गों को अपने योजनाओं के द्वारा संबोधित करते रहे, अपनी योजनाओं से सबको लाभान्वित करते रहे हैं। दूसरी बात रही, देखिए नॉर्थ ईस्ट की जो मैं इनकी बात से इस पर भी इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि बीजेपी बहुत अच्छा नॉर्थ ईस्ट में नहीं कर पाई। बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट को, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है 2014 में, नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने कनेक्ट किया है। आज देश की जनता ये जानती है कि हाँ हमारे जो उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं वो भारत में ही आते हैं। उसके पहले बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां थी, नागालैंड में बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे, आज भी हालांकि इश्यूज हैं लेकिन कम से कम वहां का आप देखिए कि वहां से कानून मंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। मतलब वहां का जो भागीदारी मिलनी थी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को, वो भागीदारी भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी दी है। और यही वजह रही है कि मणिपुर में इनकी सरकार है, कुछ राज्यों में ये जूनियर पार्टनर के रूप में सरकार में है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बहुत सालों तक उन राज्यों में रही है लेकिन कांग्रेस ने कभी उनकी भागीदारी, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भागीदारी देने की बात थी या भागीदारी देनी थी, वो भागीदारी कभी नहीं दे पाई। हो सकता है कि उस कमी को पूरा करने के लिए राहुल गांधी वहां जा रहे हो, कि वो जो भूल पहले उनसे हो गई हो वो उस भूल को खत्म करने के लिए वो शायद वहां से वो यात्रा चलिए, निकल। एक और जी चीज, आप राजनीतिक गलियारों पर अच्छी पकड़ रखते हैं, कांग्रेस हो बीजेपी हो, तमाम पार्टियों के नेताओं के बीच आपकी अच्छी पकड़ है। जरा हमें बताइए कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी बात करती है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, एक तरफ कमलनाथ वहां बात करते हैं कि राम तो सबके हैं, किसी को क्यों प्रूफ देना कि हम हिंदू हैं या राम हमारे हैं या नहीं है। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह की जो बयानबाजी सामने आती है, कभी रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, नई मूर्ति क्यों, पुरानी क्यों नहीं, और फिर दक्षिण के नेताओं की बयानबाजी जिनके साथ कांग्रेस का अलायंस है, क्या किस भ्रम में है कांग्रेस? बीजेपी वाले तो कहते हैं कि राहुल गांधी यात्रा करें अच्छी बात है, उनकी यात्रा का फायदा हमें मिलता है। आप क्या देख पा रहे हैं कि किस भ्रम में रहती है कांग्रेस या किस दुविधा में है? हाँ देखिए कांग्रेस अगर इस मुद्दे पर देखा जाए तो कंफ्यूज है। कांग्रेस को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो किसके साथ जाए। अगर उसे लगता है अगर वो अयोध्या जाती है या अगर वो जैसे दिग्विजय का बयान आप देख रहे होंगे, वो लगातार रामलला की मूर्ति पर सवाल उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं आज पूर्व मंत्री है पीसी शर्मा, उन्होंने भी उस बात को आगे बढ़ाया कि रामलला की मूर्ति ही वहां पर पुरानी है, वो ही गायब है। पहले तो पता चलना चाहिए कि मूर्ति कहाँ गई। अब कहीं ना कहीं बीजेपी को एक मुद्दा मिल जाता है। बीजेपी आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा या बीजेपी के तमाम नेताओं ने उस बात को पकड़कर लगातार सक्रियता बढ़ाई, सवाल खड़े करना शुरू कर दिए कि ये कांग्रेस को रामनाथ पहले मंदिर बनने दिया इतने सालों में, इतने साल तक वहां मस्जिद थी, अब जब एक राम मंदिर बन रहा है हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा तो ये रामलला की मूर्ति का विवाद खड़ा करके एक पूरे मुद्दे कहीं ना कहीं हिंदू वर्ग को नाराज करते। तो कहीं ना कहीं जो धर्म और आध्यात्म का मामला है कांग्रेस उसमें बीजेपी से पिछड़ती जा रही है, वो ना आगे फैसला ले पा रही है कि वो रामलला या अयोध्या मंदिर के समर्थन में खड़े हो
या पर्दे के पीछे बयान दे। यात्रा का रोड मैप तैयार कर लिया जाए कांग्रेस आला कमान की ओर से, लेकिन उनके नेता अक्सर बयान देकर सेल्फ गोल कर लेते हैं। खैर इतना ही वक्त था हमारे पास चर्चा के लिए। रुद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शैलेंद्र आपने भी निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब शुरू होगी तो उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।